कोविड टीकाकरण में ओडिशा माइल खुंट अतिक्रम कर राज्य टीकाकरण हार जातीय हार ठारु अधिक प्रथम डोज जातीय हार 79.8% थिबाबेले राज्य में 42.4% रही द्वितीय डोज जातीय हार 38.4% थिबाबेले राज्य में 41.5% रही वर्तमान सुधा ओडिशा रे 4.3 लाख टीकाकरण होइछि राज्य में टीका नष्ट हार -5.3% रही November 30 तारीख सुधा 90% प्रथम डोज पूरण पर लक्ष्य धार्य भुवनेश्वर बालियंता थाना अंतर्गत हंसपाल पुरी केनाल निकटू आज पुलिस 300 ग्राम ब्राउन सुगर जबत करने घटनास्थल अनिल नायक और शेख शामसुद्दीन नामक दुईज अभियुक्त को गिरफ्त कर सूचना मिली। पुलिस चढ़ाऊ समय 300 ग्राम ब्राउन सुगर समेत गोटे लाल रंगर अल्टो कार गोटे सिटी डिलक्स मोटरसाइकेल और दुईट सेलफोन जबत कर चलित मास 19 तारीख में पड़ुची कार्तिक पूर्णिमा तेबे पूर्व कटक जारी होई कटकणा चलित बर्ष सर्वसाधारण स्थान में कहीं बुड़ पकई पारे ना बोली स्वतंत्र रिलीफ कमिशन रो गाइडलाइन जारी करथिबा बेले आज कटक डीएसपी प्रतीक सिंह को एने सूचना देखते डीएसपी सूचना अनुसार कार्तिक पूर्णिमा विभिन्न जलाशय कूल में लोकंर प्रबल समागम होता है तेणु लोकों सुरक्षा और कोविड व्यापार आशंक कहीं जलाशय को जा डा भसई पारे ना यह बुड़ पकई पारे ना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार उत्तर प्रदेश दीर्घ 340 किलोमीटर लंब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को उद्घाटन करछंती। IFC 130 हरकुलस प्लेन रे एही एक्सप्रेस हाईवे रे मोदी अवतरण करिबा परे से हाकु उद्घाटन करथिले। घंटाए रु ऊर्ध्व धरी भाषण देथिबा मोदी उक्त एक्सप्रेस हाईवे रो फायदा एवं एहारो विकास रो दिग कुनी वर्णना करथिले। 22,500 कोटी टंका रे निर्मित एही मेगा प्रकल्प को मोदी देश पई उत्सर्ग करछंती। असंता 24 घंटा मध्य रे राज्य रो दक्षिण उपकूल ओडिसा समेत किछि जिल्ला रे हल्का वर्षा सहित काळा बैसाखी संभावना रहिछि। एही जिल्ला गुडीक मध्य रे कोरापुट मलकानगिरि रायगड़ा कंधमाल और बौद्ध रही उक्त जिलागुड़ी आंचलिक पाणीपा केन्द्र पक्षर कौन प्रकार वार्निंग जारी करपर November 17 18 तारीख मध्य मलकानगिरि कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर कोलाहांडी कंधमाल गजपति गंजाम पुरी आदि जिलागुड़िक 2 स्थान में सामान्य वर्षा होबार संभावना रही। तेलुगु अभिनेत्री सालू चौरासिया आक्रमण शिकार होती आक्रमणकारी मोबाइल फोन लुटि नहीं मुंड और आखिपतरे गभीर आघात लगी हैदराबाद एक घर हस्पिटाल भर्ती कर सूचना अनुसार गतकाल राति प्राय 8:30 सालू बंजारा हिल थाना अधीन केबीआर पार्क निकट में जाता बेले जड़े दुर्वृत्त निकट में पहुंची लुट करने को उद्यम करता मात्र सालू तार दृढ़ विरोध करते समय लुटेरा आक्रमण करते सालू आहत हो तले पड़ जा लुटेरा मोबाइल फोन नहीं चंपट मारे घटना परे सालू थाना रे अभियोग करछंती। पुलिस सीसीटीवी फुटेज आधार रे लुटेरा को चिन्हट करथिबा जणा पडिछि। गंजाम जिला पोलसरा ठारे आज जातीय जनता पार्टी तरफ रु एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित होइ जायछि। लगाण वर्षा रे चासिंकर होइतिबा क्षयक्षति और पोलसरा तथा बुगुडा ब्लॉक मध्यरे मनरेगा योजना रे व्यापक दुर्नीति आदर्श गायगोला नारे होइतिबा दुर्नीति मो बगीचा आवास गृह नारे करजाउतिबा दुर्नीति विरोध रे कार्यानुष्ठान पई दाबी करायछि। 2 कोटी ब्लॉक रे करजाउतिबा अनेक दुर्नीति को नै आज पोलसरा भारतीय जनता पार्टी गंजाम जिला घुमसर बीजेपी सभापति गोकुलानंद मल्लिक आज सांबादिक सम्मेलन में सूचना देते। खलिकोट निर्मलधर स्थित बहुमुखी बात्या आश्रयस्थली परिसर में शिशु दिवस वर्णाढ़्य ढंग से पालित हो छात्र छात्री और कर्मकर्ता माने रामधुन सहित प्रभात फेरी जा अतिरिक्त जिला अदालत परिसर में महापुरुष मान प्रतिमूर्ति पुष्पधूप अर्पण करते अपराह्न 3 घटिका समय प्रभात कुमार मिश्रों पौरोहित्य में पूर्णांग अधिवेशन अनुष्ठित होता रंभा हाईस्कल प्राक्तन प्रधान शिक्षक बालकृष्ण महाराणा अध्यक्षतार अनुषित एक सभार विशिष्ट समाजसेवी तथा राज्यपाल पुरस्कृत प्रधान शिक्षक विजय कुमार विश्वाल मुख्य अतिथि केशपुर कॉलेजर ओडिया विभाग मुख्य अध्यापक विष्णु दास मुख्य वक्ता प्रभाती दास और विद्युत प्रभा दास यथाक्रमे सम्मानित और आमंत्रित अतिथि रूपे जोगदे समवेत शिशु समाज को उत्साहित करते प्रारंभ में अध्यापिका ज्योत्सना कुमारी प्रधान संयोजन पुनश्चह शैशव शीर्षक एक कविता पाठोत्सव अनुष्ठित होता एथे कल्पलता महापात्र मिताराणी पट्टनायक प्रभाती दास विद्युत प्रभा दास दासरथी कुंड प्रमुख 12 जन कवि और कवयत्री स्वरचित कविता पाठ करते परिशेष कृति प्रतिजोगी को प्रमाणपत्र पुरस्कृत करा जायतिला।
ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏଲିନା ବାରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଅନନ୍ୟ ଉତ୍କଳ ବହୁମୁଖୀ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତ ପରିଷଦର ଏଭଳି ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପାଲଲହଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ସଂଘର ସଭାପତି ରଘୁନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମୁକେଶ କୁମାର ପାଳ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ପାଲଲହଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବକିଶୋର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମାଜରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସ୍କୁଲ କୁନି ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଗତ 2012 November 14 କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଭାଲିଆଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର 5 ଜଣ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଓ ସ୍ୱାମୀହରା ପତ୍ନୀ ତଥା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବନବାସୀ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ କନ୍ଧମାଳ ଆହ୍ୱାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଆର୍ଡିସି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।